एवरेस्ट की ऊंचाई भी छोटी पड़ गई, जिसकी हिम्मत और हौसलों के आगे हार ने भी हार मान ली, जिसने अपनी आंखों के सामने बहुत लोगों की जिंदगी को जाते देखा, लेकिन तब भी उसका हौसला न झुका न कम हुआ। नमस्कार, खेल हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ प्रतिमा दत्ता। जिन्हें सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, जिन्हें सपने पूरे करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटा लगता है। ऐसा ही एक सपना देखा हरियाणा के एक साधारण से गांव के साधारण परिवार में पैदा हुए नरेंद्र यादव ने। 12 साल की उम्र में ही सबसे कम उम्र का पर्वतारोही बनकर जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों पर चढ़ने वाले नरेंद्र के कदम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। जितना ऊंचा एवरेस्ट है उतनी ही ऊंची नरेंद्र की सफलता भी। ये सफलता पहली बार में नहीं मिली, 2014-15 में दो बार एवरेस्ट जा चुके नरेंद्र प्राकृतिक आपदा के चलते सफल नहीं हो पाए, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, एक बार फिर कोशिश की और आखिरकार 20 मई 2016 को सुबह 7:53 पर दुनिया का सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट उनके कदमों तले था और तिरंगा झंडा उस पर्वत के सीने में। नरेंद्र, पहले तो बहुत 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 बधाई तुम्हें, जो तुमने काम किया है वाकई में काबिले तारीफ है। उसके लिए कैसे वो सपना देखा और आज वो उसको पूरा कर लिया, साकार कर लिया, कैसी कैसी फीलिंग? मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है। 2008 में मैंने ये सपना देखा था कि मैं भी एक दिन इंडिया के नाम कोई रिकॉर्ड लाऊं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड जाऊं और अपने हिंदुस्तान, अपने मुल्क, अपने देश, अपने गांव और शहर का नाम रोशन करूं। तो मेरे को काफ़ी दिन हो गए प्रयास करते करते, 2008 से लेकर अभी 2016 हो गई, लगभग 8 से 9.5 साल हो गए हैं इस काम में मुझे लगे हुए। लेकिन पिछले 2 सालों से तो कुदरत ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन इस साल कुदरत और भगवान और आप लोगों की सबकी दुआएं मेरे साथ रही और मैंने फाइनली 20 तारीख को एवरेस्ट को सबमिट किया 7:53। सबके सपने साकार हो गए, लेकिन उसके पीछे जो कड़ी मेहनत है उसके बारे में लोग जानते नहीं होंगे। उन्हें लगता होगा, उन्हें शायद ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करना कितना मुश्किल हो सकता है, कितने फिट ऊपर है। माउंट एवरेस्ट चढ़ना, जो लोग बोलते हैं ना कि दुनिया चढ़ गई, बहुत लोग चढ़ गए, चढ़ते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है, सब कर रहे हैं, लड़कियाँ चढ़ गई, तो मैं मानता हूँ लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, लेकिन चढ़ाई इतनी आसान भी नहीं है जैसे लोग भया करते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ पे पहाड़ होते हैं, वहाँ टोटली डिफरेंट है। वहाँ पे 3 सिचुएशन को हैंडल करना डेली होता है, मौसम, टेम्परेचर और खाना और अपनी सेहत। ये जो 3 चीज़ें हैं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। रात को माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, खाने के लिए क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट्स, पानी को पिघला के पीना पड़ता है, हर चीज़ सोचनी पड़ती है। यदि गॉगल्स उतारना है तो ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैं दोबारा ज़िंदगी में कभी आँखों से देख पाऊँगा, ये सब सोच के सारे काम करने। गॉगल्स उतारने के बाद बहुत मुश्किल होती है, आँखों की रोशनी तक जा सकती है। यूवी रेज इतनी हाई पावर होती हैं, जैसे कि ग्लास से जो रिफ्लेक्शन होता है उससे कहीं 100 गुना ज़्यादा होती है। यदि बंदा उतार देता है तो उसको उस डिजीज़ को बोलते हैं स्नो ब्लाइंडनेस, कम से कम बंदा 6 महीने तक अपनी आँखों से देख नहीं सकता है। स्नो ब्लाइंडनेस हो सकती है, पैरों में हम देख रहे हैं नरेंद्र बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्या कुछ फील नहीं होता, बिल्कुल फील नहीं होता था। ये मेरे को तब मैं सबमिट करके वापस आ रहा था तो स्वेटिंग थोड़ी ज़्यादा हो गई और -56 डिग्री टेम्परेचर चल रहा था, लेकिन पारा और गिर गया और -62 चला गया, तो मेरे पैरों में जो पसीना आया था वो आइस बन गया और मेरे को फ्रोस्ट बाइट हो गया। जो आप ये ब्लू ब्लू कलर का देख रहे हो, इससे आगे बिल्कुल सेंसेशन नहीं है मेरे पैरों में, मुझे पता नहीं है, ये शायद नॉर्विक हॉस्पिटल मेरा साथ नहीं देता काठमांडू में, नॉर्विक इंटरनेशनल, तो शायद मेरे आज सब उंगलियां कट चुकी होती। उंगलियां तक कट सकती थी, और ये कब तक, कितना समय इसमें ठीक होने के लिए लगेगा नरेंद्र? 2.5 महीने में ये कुछ रिकवर हो जाएंगी, लेकिन जैसे पहले थी उसको होने में कम से कम 1 ईयर और 1.5 ईयर लगेगा। मुश्किल होती है आपको? हाँ, काफ़ी सारी मुश्किलें हैं, जैसे कि अभी फॉर्मल के नीचे सैंडल पहनने पड़ रहे हैं, दूसरी बात चलने फिरने में दिक्कत होती है, कहीं मंदिर में जाना पड़ता है तो सोचता हूँ जूते तो निकालने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सी मुश्किलें का सामना ज़रूर नरेंद्र ने करना पड़ता है और किया भी है, लेकिन यही वो तिरंगा है
जो हमारे देश की आन बान और शान है, और नरेंद्र ने यही पूरा फ्लैग जाकर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाया। क्यों क्यों नरेंद्र, आपने बिल्कुल ही अलग सा ये तरीका चुना, कैसे ये ख्याल जहन में आया? मेरे को 2008 में श्रीमती संतोष यादव जी हैं जिनको पद्म श्री अवार्ड मिला है, काफ़ी सारे अवार्ड से वो सम्मानित हुई हैं। उन्होंने 92 और 93 में एवरेस्ट क्लाइम किया था, तो उन्होंने 2008 में मुझे बोला था कि बेटे एक बार तेरे को फिर से अपने देश, अपने मुल्क, अपने जो है वो अपने पूरे वर्ल्ड में चमकाना होगा। क्योंकि इस फील्ड में क्या है कि लोग बहुत कम आते हैं, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है। बाकी फील्ड स्पोर्ट्स में क्या है, यदि कोई बंदा कहीं पे हार जाता है या जीत नहीं पाता है तो चुपचाप अपने घर आ जाता है। मेरी फील्ड में हार का मतलब है डेड बॉडी भी घर नहीं आना है, तो इसलिए इस फील्ड में लोग बहुत कम आते हैं, डरते हैं, हिचकते हैं, और काफ़ी सारी बजट्स की भी प्रॉब्लम आती है क्योंकि इसमें फाइनेंशियल बजट बहुत ज़्यादा लगता है। 2008 से इस सफ़र की शुरुआत हुई और 2016 में ये मिला नरेंद्र को। ये वो फल है जिसका इंतज़ार नरेंद्र को बहुत बेसब्री से था। नरेंद्र जब ये सर्टिफिकेट हाथ लगा, पहले मैं ये बता दूं दर्शकों को इस पर क्या लिखा है। दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट मिस्टर नरेंद्र सिंह, रेजिडेंट ऑफ इंडिया एज अ मेंबर ऑफ SST एवरेस्ट एक्सपेडिशन 2016 स्प्रिंग टीम लेड बाय मिस्टर नाभा कुमार ऑफ इंडिया हैज सक्सेसफुली क्लाइम्ड 8,848 meter हाई माउंट एवरेस्ट ऑन 20th May 2016। ये जब मिला, जब परिवार वालों ने ये देखा तो क्या क्या शब्द थे उनके पास? उनके पास एक ही शब्द था। पापा ने जो पहले बोला था कि तेरे को जन्म दिया कुछ अलग कर दिखाने के लिए, तो पापा ने बोला कि वो मेरा सपना वो पूरा साकार हो गया है। बहुत अलग किया, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में हरियाणा में बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है नरेंद्र, ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी तक नहीं है। अब तक टोटल 3-4 बंदों ने सबमिट किया है। 1953 से एवरेस्ट क्लाइम होना शुरू हुआ था और अब तक हरियाणा से 3-4 ही लोग हैं। और देखा जाए तो अपनी हिस्ट्री में ज़्यादातर जो लोग हैं वो फ्रांस, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया से ही ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन होता है, क्योंकि वहीं के लोग ज़्यादा इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। और ये भी कहते हैं कि उन्हीं लोगों में इतना जज्बा, इतनी हिम्मत होती है कि इतनी अपोजिट कंडीशंस में वो तमाम चीज़ें फेस करने के बाद आगे निकल जाते हैं, लेकिन हरियाणा के लोग कम नहीं किसी से। क्योंकि जो ये फील्ड है इसके अंदर टोटली डिफरेंट होता है। जो बंदा यहाँ पे मैराथन कर सकता है लेकिन वहाँ पे वो घुटने टेक सकता है, क्योंकि एक ग्राउंड लेवल और एक हाइट में टोटली पूरा डिफरेंस होता है। एक जो सी लेवल है और एक फिर जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है और ऑक्सीजन कम है, तो ये काफ़ी सारी परिस्थितियाँ जिनका हमें सामना करना पड़ता है। सर्टिफिकेट के बाद अवार्ड्स की भी लाइन लग गई नरेंद्र आपके लिए। ये अभी हरियाणा गौरव पुरस्कार 2016 नरेंद्र को मिला है, इससे नरेंद्र को सम्मानित किया गया है। नरेंद्र, इसके बाद जब आप जीत कर आए तो बहुत सारी हम फोटोज़ देख रहे थे आपके, बहुत सारे अवार्ड्स देख रहे थे, ये भी आपको मिलने लगे, तो कैसा लगा? कभी आपने ये स्टार्टिंग में ऐसा सोचा था, बचपन से ही कुछ ऐसा सपना था? मेरा सपना तो बस एक ही था कि एवरेस्ट क्लाइम करना है, और इन सब के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि बोलते हैं कि कामयाबी के बाद में तो ये चीज़ें सब चीज़ें अपने आप ही आ जाती हैं। पहले तो टारगेट अपने आप पीछे दौड़ती है, कामयाबी अगर तो एम ही होता है ना, एम को कम्प्लीट करो ये चीज़ें सब चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। बहुत गंभीर बात यहाँ पे नरेंद्र ने बताई है कि कामयाबी एक बार हासिल कर ली तो उस कामयाबी के बाद शोहरत खुद ब खुद तुम्हारे पीछे दौड़ती है। बहुत से लोग ये सोचते होंगे कि हमें शोहरत पानी, हमें नाम कमाना है, लेकिन नरेंद्र ने ये सोचा है और ये आपको भी बताया है कि कामयाबी हासिल कर लो, अपने सपनों को साकार कर लो, उसके बाद खुद ब खुद तमाम चीज़ें आपके पीछे दौड़ कर आएंगी। भले ही एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान बहुत ज़्यादा बर्फबारी ने नरेंद्र के पैरों की उंगलियाँ सुन कर दी, जिन्हें अभी ठीक होने में 3-4 महीने लगेंगे, लेकिन उनकी इच्छा शक्ति कम नहीं हुई, जिसका नजारा नरेंद्र ने अपने घर में भी दिखाया। तो इससे आप नीचे उतरते हैं ऊपर से, तो माउंट एवरेस्ट भी ऐसा सिमिलर रहता है कि उसमें डिफरेंस होता है, माउंटेन पे ग्रेडिएंट्स होते हैं। माउंटेन और इसमें की डिफरेंस क्या रहता है? टोटल डिफरेंट है। हाथ ध्यान, आप अपने हाथ दिखाइए, ये हाथ छिल गए हैं। यदि रोप को हम नंगे हाथ से पकड़ेंगे तो तब रोप के ऊपर हाथ ऐसे फिसलता है, तो इसके अंदर जो फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बनता है ना, उससे हाथ जल सकता है। तो इसके अंदर मिटन्स यूज करते हैं। जो ग्लव्स होते हैं उनके अंदर लेदर के एक पार्ट लगा होता है जिनको हम बोलते हैं मिटन्स, वो फ्रांस मेड होते हैं, वो यूज करते हैं। उठती रहेगी
अच्छा तो क्या हो जाएगा तब? तो भी आप ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं? हाँ। आप इंस्ट्रक्टर भी हैं यहाँ पर, एक एकेडमी में सिखाते भी हैं? मैं ITBP और BSF के कुछ NSG से बंदे आते हैं, उनको मैं ट्रेन करता हूँ यहाँ अरेवली हिल्स में कभी कभी। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को आप ट्रेन करते हैं? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, BSF, ITBP, CISF, इनके जो बंदे ग्रुप्स आते हैं उनको मैं ट्रेन करता हूँ। वो लोग जो आपकी रक्षा करते हैं जब बहुत ही ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जब NSG की बात कर लें, ITBP की बात कर लें, ये टुकड़ियाँ आपकी मदद के लिए आगे आती हैं, उनको ट्रेनिंग भी देते हैं नरेंद्र, और उनको सिखाते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे आगे लड़ा जा सकता है। नरेंद्र, पहले सब आपने अपनी प्रयास के बारे में बताया, दूसरा प्रयास जब किया तब क्या क्या परेशान? फिर मैंने अपना अभियान के लिए दोबारा से एक बार नेपाल में पहुँचा, और लुकला पहुँच के हमने बेस कैंप हम 10 दिन में पहुँच गए लगभग। और आप सब लोगों ने देखा होगा कि पिछले साल नेपाल में आए जलजले और भूकंप को, तो उसमें मेरी पूरी सपोर्टिंग टीम से लेके, यानी जो बुरा हाल हुआ वो हुआ, कम से कम 50-60 लोग तो घायल हो गए और लगभग 30 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, और बहुत सारे लोग लापता थे। तो मुझे एक बार फिर से हैरान होकर वापस आना पड़ा, मायूस होकर वापस आना पड़ा, और एक बार गवर्नमेंट ने मेरे को फिर से मौका दिया और मैंने 2016 में क्लाइम दोबारा किया। बिल्कुल, तो उसके बाद भी वो हारे नहीं। कहते हैं कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, जिसने खुद अपनी मदद की भगवान भी उसकी मदद करता है। और नरेंद्र ने ये हार नहीं मानी, नरेंद्र ने ये ठान लिया था कि माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम ज़रूर करना है। पहला प्रयास असफल रहा, दूसरा भी असफल रहा, लेकिन तीसरी बारी में कामयाबी ज़रूर मिली। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम खेल हरियाणा में रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत सी उपलब्धियाँ नरेंद्र की आपको दिखाएंगे, और ये बताएंगे कि आखिर क्या उम्मीद करते हैं नरेंद्र इस सरकार से। छोटे से ब्रेक के उस पार। अद्भुत इच्छा शक्ति के मालिक नरेंद्र के जज्बे को देख पूरे हरियाणा के साथ साथ देश को भी उन पर गर्व है। वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे एक पर्वतारोही अपनी जिंदगी को दांव पर लगाता है, कौन सी ऐसी चीज है जो उसकी जान बचाती है, और कौन सी ऐसी जो रुकावटें हैं जिनको पार कर नरेंद्र हरियाणा का हीरो बन गया। नरेंद्र ने दिखाया कि किस तरह से एक पर्वतारोही तैयारी करता है और किन किन चीजों का इस्तेमाल पहाड़ को चढ़ने के लिए किया जाता है। हर एक चीज की बारीक जानकारी रखने वाले नरेंद्र ने हर उस चीज के बारे में बताया जो मुश्किल घड़ी में किसी भी पर्वतारोही का सहारा बनती है। ये टेंट है जहाँ पर रहना पड़ता है जब आप जाते हैं माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने के लिए, तो करीब ऐसा ही टेंट है जिसमें आपको रहना पड़ता है। और नरेंद्र ने हमारे कहने पर ये टेंट हमें यहाँ अपने घर में कोसली में लगा के दिखाया है। तमाम वो चीज़ें जो माउंट एवरेस्ट पे जाके की जाती हैं वो हम आपको दिखाएंगे। नरेंद्र से उनके पूरे सफ़र के बारे में जानेंगे, क्योंकि हम बहुत खुश हैं, बहुत बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे हैं कि हरियाणा, जो बहुत से स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, वहाँ पर नरेंद्र ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। ये टेंट देख सकते हैं आप। नरेंद्र, इस टेंट में 72 दिन आप रहे हैं? जी मैम, 72 दिन मैंने इसी के अंदर अपना जीवन बसर किया है। हाँ। यही टेंट मैंने बेस कैंप में लगाया, फिर कैंप 1 में लगाया, कैंप 2 में लगाया, कैंप 3 में लगाया, समिट कैंप में लगाया। हाँ। और आज अपने घर पे लगाया। आज आपने अपने घर पे ये टेंट लगाया है हरियाणा न्यूज़ के कहने पर। मैं आप चाहूंगी अब इस टेंट के बारे में हमें थोड़ा इसकी स्पेसिफिकेशंस नरेंद्र आप बताइए। क्या इस टेंट में जब आप जाते हैं अंदर तो आपको ठंड नहीं लगती है, उसका एहसास नहीं होता, बाहर का टेम्परेचर क्या है? ये जो कंपनी इसको बनाती है, इसको ऐसे तरीके से बनाती है, इसके अंदर 2 लेयर्स होती हैं, एक इनर लेयर और एक आउटर लेयर। दोनों के अलग अलग वर्क हैं। बाहर वाली लेयर वाटरप्रूफ, विंड और इन सब से बचाती है। यस, ग्रीन वन। और जो ये वाइट वन है अंदर में, जो ये है, जो अंदर टेंट का जो टेम्परेचर है उसको मेनटेन करके रखती है, टेम्परेचर को बाहर लूज नहीं होने देती है। और इस टेंट के अंदर -35 से 40 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। तो बंदा जब गए थे तो 56 आपने बताया कि टेम्परेचर था जी, तो कैसे आपने कोप अप किया? टेम्परेचर रात को गिरता है तो इसके अंदर एक लेयर बन जाती है आइस की, अंदर भी आइस जम जाती है। अच्छा, अंदर भी आइस जम जाती है, है। हाँ, लेकिन जो बॉडी टेम्परेचर है उसकी वजह से वो इफेक्ट नहीं करती है, क्योंकि शाम को 5 घंटे के 12 बजे के बाद में तापमान ज़्यादा गिरता है रात को, तो तब तक तो बंदा इसमें स्लीपिंग बैग में इतनी हीट हो जाती है कि तो बंदा महसूस नहीं कर पाता है कि कितनी ठंड हुई। ये डक डाउन फेदर से बना है पूरा। अच्छा हाँ जी, तो इसके अंदर
ये बहुत हीट है इसके, बहुत हीट है, टच करने से ही बहुत हीट फील हो रही है, बहुत ज्यादा हीट है और लाइट वेट होता है और -60 डिग्री तक ये कंपोज कर लेता है। -60 डिग्री हाँ, तक आप इसे रह के सहन कर सकते हैं। यस, सो इसकी वजह से ये इजी हो पाया। यस ओके। अनरिंद्र, इसके नीचे ये भी है, ये क्या है? इसको मैम कैरी मैट बोलते हैं। okay. और ये माइनस में टेम्परेचर हो चाहे प्लस में हो चाहे कुछ भी कितना भी टेम्परेचर गिर जाए, नीचे से जो बर्फ पसीना छोड़ती है, स्वेटिंग छोड़ती है, उससे स्लीपिंग बैग को और मेरे बॉडी टेम्परेचर की हीट लूज होने से बचाता है। अच्छा, तो ये वो इसको हम माउंटेन मेंटेन करके रखती है। इसको हम माउंटेन में माउंटेन सोफा बोलते हैं। अच्छा, ये माउंटेन सोफा भी इसे कहते हैं। ये तमाम इक्विपमेंट्स जो हैं यही इन्हीं के सहारे ही जो ये क्लाइम किया जाता है माउंट एवरेस्ट। और हम ये देख रहे हैं नरेंद्र, ये हुक्स है, इनको कैरावाइनर्स बोलते हैं, ये स्क्रू गेट कैरावाइनर्स है और ये प्लेन है। इनकी कैपेसिटी इनके ऊपर लिखी हुई है 24,000 किलोन्यूटन, मतलब 24,000 kg का इसके ऊपर दबाव पड़ेगा तो ये टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। अच्छा। UIAA से टेस्टेड होते हैं, यूनाइटेड इंटरनेशनल अल्पाइन एसोसिएशन से। ओके। इसको बोलते हैं डिसेंडर, इसको फिगर ऑफ एट भी बोलते हैं। ये तब हम क्लाइंबिंग करने के बाद में रैपल डाउन करते हैं, उसमें यूज होता है। ये 3,000 kg तक का वेट लेता है। ओके। किस लिए? इसको ब्यूटेन गैस बोलते हैं। ये जो बनाई गई है इसका एक ही पर्पज़ है, सिर्फ माउंटेन में यूज़ होती है। इसकी जिस वजह से ये बनाई गई है उसका एक ही पर्पज़ है, एक ही स्पेसिफिकेशन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। माइनस में टेम्परेचर जाने के बाद में भी ये गैस जमती नहीं है। okay. और इसको हम अपना खाना पकाने के लिए, जो भी नॉर्मल खाना होता है, और पानी गर्म करने के लिए इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं माउंटेन। सोचिए, हर तरफ बर्फ ही है, खाने के लिए कुछ है नहीं, टेम्परेचर ही -56 है, तो ये गैस के सहारे ही पानी पिया जा सकता है। इसी गैस के सहारे इसको हीट अप करके आप जो आइस है इसके ऊपर बर्नर लगता है और उस बर्नर को मेल्ट करने के बाद पानी मिलता है, तब जाकर पानी नसीब होता है। तो सोचिए, जो पानी, जिस पानी को पीने के लिए हमें लगता है कि नहीं पानी साफ नहीं है, बर्फ़ में जब एक व्यक्ति होता है गैस से पहले बर्फ़ को मेल्ट करता है और उसके बाद पानी मिलता है, कितनी मुश्किलें होंगी आप अंदाज़ा भी शायद नहीं लगा सकते। और ये हेलमेट ब्लैक डायमंड जो कंपनी है उसका है। ओके। इसकी स्पेसिफिकेशन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जब हम क्लाइंब करते हैं तो कभी भी बर्फ़ टूट के गिर सकती है या कोई भी एवलांच आ सकता है, तो सबसे ज़्यादा इंजुरी जो है ना, बोलते हैं कि सर में लगने से इंसान की मौत बहुत जल्दी हो जाती है। हाँ। और ठंड में यदि सर में चोट लग गई तो बोलते हैं कि ब्रेन हेमरेज बहुत जल्दी हो जाता है, जो हमें पढ़ाया जाता है, उस पर्पज़ के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। ये हेडलैम्प है, जब हम नाइट मार्च में निकलते हैं, नाइट में जब हमें मूव करना होता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हेलमेट, वैसे भी पकड़िए आप, इसे भी कहते हैं कि हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है जब गाड़ी चला रहे हैं तो, लेकिन जब माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हैं तब भी हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। और इसी हेलमेट को पहन के इसको लॉक करने के बाद ये हेलमेट लॉक हो गया है, और ये लाइट के सहारे जब रात को आपको आगे बढ़ना है, आगे क्लाइंब करने के लिए, तो इसके सहारे ही आप आगे बढ़ते हैं। ठीक है नरेंद्र, और इसके अलावा ये क्रैम्पोन्स हैं जो जूते के नीचे फिट होते हैं। ठीक है, ये जूता है जी, ये भारी भरकम जूता देख रहे हैं आप, ऐसे जूते नहीं हैं कि आप बस एक सेकेंड में पहने और चले जाएँ, ये जूता माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए ही पहना जा सकता है। ये ऐसे फिट होते हैं क्रैम्पोन्स। हाँ। क्रैम्पोन्स का मेन वर्क एक ही होता है, जब हम आइस में या स्नो में मूवमेंट करते हैं तो ये हमारे जूते को स्लिप होने से बचाता है। और ज़्यादातर जो टेक्निक्स हैं जो आइस में हम करते हैं वो इन्हीं के पूरे बलबूते पे होती है। यानी क्रैम्पोन्स भी एक हमारी लाइफ लाइन है, जैसे कि हमारी रोप भी एक लाइफ लाइन होती है, ऐसे क्रैम्पोन्स भी एक लाइफ लाइन है हमारी। ये बहुत हैवी शू है, 3 लेयर्स इसकी हैं, इसमें तो पैर भी मूव नहीं हो रहा नरेंद्र। यस यस। कैसे कर पाते हो? स्ट्रेट रखना पड़ता है, पूरा पैर स्ट्रेट रखना पड़ता है, मतलब ही नहीं है। तो आपको ये पूरा शू आपको हर टाइम डाल के रखना होता है? बिल्कुल, निकालते ही तो फ्रोस्टबाइट हो जाएगा। निकालते ही फ्रोस्टबाइट हो जाएगा। ये जूता डालने के बाद नरेंद्र के पैर में इतनी चोटें आई हैं, अगर नरेंद्र ये शू नहीं होता तो फिर नॉट पॉसिबल क्लाइंबिंग इज नॉट पॉसिबल अबाउट ये मैंडेटरी है शू, मतलब इसको पहनने के बाद आपको पैर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, बहुत ज़्यादा हैवी है। आप सोचिए, इस शू को पहनने के बाद नॉर्मल वॉक कर पाना ही बहुत मुश्किल हो रहा है, तो ये कैसे क्लाइंब करते होंगे ये भी
सोचने की बात है। देखिए आप, ये बहुत ज़्यादा हैवी है, इसका वेट कितना है नरेंद्र? 3.50 है दोनों शूज़ का मिला के, और क्रैम्पन लगा के 4.20। ठीक है नरेंद्र, ये आइसएक्स। आइसएक्स, ओके। दिस इज बेसिकली यूज्ड फॉर रूट ओपनिंग और आइस क्लाइंबिंग। ओके, यस। तो ये आइस क्लाइंबिंग के लिए यूज होती है, अगर कोई आइस है सामने तो आप इसे तोड़ भी सकते हैं? यस, तोड़ भी सकते हैं, पानी बनाने के लिए आइस तोड़नी पड़ती है तो इसी से टूटती है पूरा। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा कस्सी, जिससे शायद मजदूर मिस्त्री घर में काम करता, लेकिन ये वो एक सही है, वो कस्सी है जिससे बर्फ को तोड़ा जाता है। देखी नहीं होगी आपने पहले, लेकिन नरेंद्र की वजह से ये देख पा रहे हैं हम। नरेंद्र, ये सब ये क्लाइंब करने के लिए? यस यस, मैंने काफ़ी चीज़ें आपको उनमें डिफाइन कर दी हैं, लेकिन जो बच गई उनके बारे में अभी डिफाइन कर देता हूँ। हाँ। इसको बोलते हैं जुमार, यानी असेंडर। असेंडर मीन्स असेंडिंग मीन्स अप, यानी क्लाइंबिंग करते टाइम ये सेफ्टी के लिए यूज होता है। एक बार रोप में लग जाता है, क्लाइंब अप कर सकते हैं, डाउन नहीं कर सकते हैं। यदि बंदा फॉल हो जाता है तो वहीं अटका रहेगा रोप के अंदर, नीचे अच्छा, नहीं आएगा। अच्छा। ये सीलिंग होती है, जिसको एक टेप सीलिंग होती है, ये रोप सीलिंग होती है। ठीक है, तो टेप सीलिंग जो है ये 2000 kg वेट लेती है, इससे बंदा हम अपने आप को एंकर करते हैं। ठीक है, ये हार्नेस है, बॉडी हार्नेस, फुल बॉडी हार्नेस बोलते हैं इसको। और ये बेसिकली हमारे दोनों पैरों और कमर के अंदर पूरा अटैच होता है। ठीक है, और अटैच होने के बाद में हम इससे एंकर्ड हो जाते हैं, और फिर बाद में हम रोप से अपने आप को अटैच करके क्लाइंब करते हैं। सिर्फ माउंटेन क्लाइंब कर सकते हैं आप, वैसे यूजुअली भी कुछ क्लाइंब कर सकते हैं, रॉक क्लाइंबिंग? अच्छा, आप इससे भी यूजुअली कर सकते हैं, नहीं हो पाएंगे। यहाँ सपने बड़े हैं, यहाँ हौसला किसी से कम नहीं, यहाँ हिम्मत एवरेस्ट तक को झुकाने की है। सब कुछ होने के बावजूद सरकार की तरफ से आखिर कोई पहल क्यों नहीं की गई? सरकार की ओर से खिलाड़ियों को मिलने वाली मदद अब तक क्यों नहीं मिली? 53 लाख रुपीज आपके अब तक इस माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने में लग गए हैं, कोई मदद तक नहीं मिली है? नहीं, अब तक गवर्नमेंट को ने मेरे को बिल्कुल भी यानी फाइनेंशियल सपोर्ट कुछ भी नहीं दी है, लेकिन मैं गवर्नमेंट से एक उम्मीद करता हूँ, क्योंकि 2011 में एक पॉलिसी बनी थी जिसके तहत ममता सोदा जी को DSP रैंक और 21 लाख रुपीस मिले थे। उसके बाद में अभी पिछले ही वीक रामलाल हाईकोर्ट से केस जीत के आया है, जिसने 2013 में जिसका सिलेक्शन हुआ था उसको भी DSP रैंक रिकमेंडेड किया गया और 21 लाख रुपए दिए गए। अच्छा, तो आपकी कोई कुछ बात हुई कि आपको DSP रैंक दिया जाए या 21 लाख रुपए दिया जाए, इसको लेकर किसी सरकार के नुमाइंदे से? मैंने अपने MLA जी से आज ही लेटर दिया है, शाम को उन्होंने बोला हाँ मैं चंडीगढ़ बात करूंगा इस मैटर पे। तो मैं भी चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज हैं, जो जिनको पहले मान और सम्मान और जो रिकमेंडेशन मिली है, मैं चाहता हूँ मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ मैंने भी ऐसा किया है तो मुझे भी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि आप पूरा डिजर्व करते हैं, और हमारी भी कोशिश है कि जो डिजर्व करते हैं नरेंद्र, उस मुकाम तक नरेंद्र जरूर पहुंचे हैं। नरेंद्र, एक और चीज मैं आपसे जानना चाह रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि आगे आपने बताया कि आप पीक्स क्लाइंब करना चाहते हैं, उसमें कितना खर्चा आ सकता है एस्टिमेट? जो 7 कॉन्टिनेंट्स है उसके अंदर लगभग 80 लाख के समथिंग खर्चा आएगा। 80 लाख रुपीज? एक पीक में 5 से 7 लाख रुपए खर्चा आएगा, तो टोटल 6 पीक्स हैं, तो पूरा बजट मैनेज करके इक्विपमेंट्स वगैरह लगा के 80 लाख के समथिंग आएगा। तो वो कहाँ से अरेंज हो पाएगा? तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि कोई कंपनी मुझे सपोर्ट करे या फाइनेंस करे, स्पॉन्सर करे। अभी तो कुछ स्पॉन्सर मिले? हाँ, अभी बात हुई है, मनीष जी हैं जो अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष BJP के, उन्होंने बोला कि मैं बात करूंगा इस मैटर पे। चलिए, तो हम भी पूरी उम्मीद करते हैं नरेंद्र, आपकी जितनी सहायता हो सके उतनी सहायता हो, और एक बार फिर से ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। दुनिया के सबसे बड़े पर्वत को अपने कदमों तले रखने वाले नरेंद्र की सफलता और उनके विश्वास को देखते हुए लगता नहीं कि उनके कदम अब इतनी जल्दी रुकने वाले हैं। 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंचे पर्वत को पार करने का सपना लिए नरेंद्र की कोशिशें जारी हैं। आज के इस एपिसोड में हमने आपको नरेंद्र यादव से मिलाया, वो युवा जिसने सब कुछ किया, जिसने हार नहीं मानी, जिसने अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखा, लेकिन उसका सपना था कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ना है, देश का तिरंगा वहां पे फहराना है, और इस सपने को देखकर इसने साकार भी किया, और पूरा परिवार आज प्राउड फील कर रहा है सिर्फ नरेंद्र की वजह से। और उम्मीद हम भी करते हैं, सरकार से भी ये गुहार लगाएंगे कि सरकार देखे और मदद करे, क्योंकि पॉलिसी है कि पैसे 21 लाख रुपए DSP रैंक भी दिया जाना चाहिए। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र की जितनी मदद हो सके गवर्नमेंट वो मदद करे, क्योंकि जो नाम नरेंद्र ने हरियाणा का रोशन किया है वो शायद ही बहुत कम लोगों में इतना दम होगा। तो खेल हरियाणा के आज के इस एपिसोड में इतना ही, अगले हफ्ते एक बार फिर से हाजिर होंगे किसी और जाबाज की कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।